सबसे पहले दोस्तों ई श्रम कार्ड टाइप करना है, उसके बाद उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देख सक रहे हैं आप, यहाँ इस टाइप का आएगा, उस पर क्लिक करना है रजिस्टर ई श्रम पर। फिर इस टाइप का आएगा ई श्रम। जी हाँ दोस्तों, आप लैंग्वेज भी वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है, हिंदी पे क्लिक कीजिएगा। आप हिंदी में सारी जानकारी डिटेल्स भरना पड़ेगा आपको, तो आप हिंदी भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब इसकी जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो आपको चाहिए फॉर्म भरते वक्त, ई श्रम कार्ड भरते वक्त, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें चार इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए आपको। आधार संख्या चाहिए, आधार लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर, यानी मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा। उसके बाद आपको बैंक के खाते का विवरण देना है। जी हाँ दोस्तों, बैंक के खाते का आपको विवरण देना है, और आपका जो आयु है वह 16 से 59 वर्ष के बीच ही होना चाहिए। यदि इससे कम या ज़्यादा होगा तो नहीं हो सकता है। और पंजीकरण की बात करें तो दोस्तों, इसमें हम आपको आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को प्राथमिकता दी जाती है। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, कैप्चा आपको इसमें डालना है। अगर आपको पास EPFO है तो हाँ देना है, नहीं है तो नहीं देना है। फिर आगे जो है आपको, अगर आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम EIC के अंतर आते हैं तो आपको हाँ या नहीं देना है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं देना है। उसके बाद OTP पे डायल कीजिएगा, वहाँ पे एक OTP आएगा। फिर आपको जो है आगे रजिस्टर करना पड़ेगा उसी आधार से जिस आधार से इसमें लिखा हुआ रहेगा, हो जाएगा दोस्तों।